भाई साहब जैसी भी आ गई व्लॉग में, अब तो व्लॉग वायरल होना बनता है नहीं। हेलो जी एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स बांसवाड़ा। यस आई एम इन बांसवाड़ा एट माय होम टाउन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट आउट देयर। कैसे हैं आप सब लोग? उदयपुर से आ गया था, कल था संडे, आज है मंडे। 1 मार्च को संडे था, मार्च की स्टार्टिंग हो गई और साल जो बिजनेस ईयर आता है वो सिर्फ 30 दिन में खत्म होने वाला है। और आज मैं जा रहा हूँ बांसवाड़ा एक्सप्लोर करने के लिए और आपको बताऊंगा कि बांसवाड़ा में घूमने जैसी जगह क्या क्या है। वैसे तो कोई इतनी ज़्यादा जगह नहीं है बट थोड़ी बहुत जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ग्लिम्स दूंगा। अभी बांसवाड़ा का थोड़ा विकास हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो फटाफट मैं शूज़ पहन लेता हूँ और ये यहाँ से निकलते हैं। पहले तो मम्मा के साथ जाने का था बट अब मम्मा के साथ नहीं जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट गाड़ी में भेजता हूँ। चले जी यहाँ से निकले अपन। हाँ जी, तो मैं निकल चुका हूँ घर से और थोड़ा दूर आ चुका हूँ, लगभग 1 किलोमीटर जितना। और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक मंदिर पे जो कि माँ त्रिपुरा सुंदरी का है। यस, द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ गॉडेस त्रिपुरा सुंदरी इन बांसवाड़ा। और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है बहुत जगहों पे, गुजरात में बहुत जगह फेमस है, बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, नवरात्रि में काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। पीछे स्पेशल मंदिर का हेलीपैड भी बना रखा है, जब कोई आए बड़ी पर्सनालिटी या डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से कोई आ रहा हो, नेता मंत्री कोई भी आ रहा हो, तब उनके लिए वो स्पेशल हेलीपैड बना रखा है। मैं पहुंच चुका हूं मंदिर और मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, मतलब फ़ोन क्या फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। तो अगर हो सकेगा तो मंदिर के बाहर जो जगह है वहाँ की मैं थोड़ी बहुत फुटेज डाल दूंगा, क्योंकि मुझे, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं प्रमोट नहीं करता किसी की भगवान की फ़ोटो डालना, कि अगर आना है आके खुद ही देख लो, पर ऐसे फ़ोटो वोटो डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी जाता हूँ मंदिर दर्शन कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूंगा अगर वहाँ कोई नहीं, थोड़ा सा बाहर का जो बाहर का मंदिर है वहाँ का। बाकी अंदर तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ अंदर वैसे भी लगा रखा है कि फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, बेटरमेंट के लिए अपन ये नहीं करेंगे। You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way, you think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change, oh. You think I would look pretty, on your arm once you cover up my boots. को पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट दे। वैसे तो मंदिर में अंदर एंटर होते लिखा हुआ था कि अंदर परिसर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, और थोड़ा सा मेरी बाहर की पब्लिक को दिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स डाला, ऐसा दिखता है बाहर से मंदिर। यहाँ पे सब जो जगह है ना वो थोड़ी दूर दूर है, पास पास कुछ जगह नहीं है, जैसे उदयपुर में है एक नदी क्रॉस करके दूसरी जगह आ जाती है, वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सारी जगह दूर दूर है, मतलब ये 13 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से मुझे जाना है वापस 30 किलोमीटर दूर पानी वाली जगह पे बांसवाड़ा क्रॉस करके, वहाँ से बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर है, ये बांसवाड़ा से 13 किलोमीटर है। तो थोड़ी थोड़ी दूर दूर जगह है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अच्छी चीज़ों के। तो जब मैं गाड़ी छोड़ के मंदिर के अंदर गया तब मैंने देखा कि माता जी का जो श्रृंगार था वो वाइट कलर का था एंड इट वॉज प्रिटी ऑसम। तो मतलब ऐसा है कि हर डे के हिसाब से माताजी का श्रृंगार होता है, मतलब आज वाइट है तो कल कुछ और होगा। वेडनेसडे का मुझे पता है क्योंकि एक बार मैं वेडनेसडे को आया था, वेडनेसडे का जो श्रृंगार है वो ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का बिल्कुल, और इतना प्रिटी लगता है ना कि भाई सच में देख के इतना ऐसा लगेगा कि कुछ पॉजिटिव मिल रहा है अपन को अंदर बॉडी के अंदर।
अगर आ रहे हो बांसवाड़ा, राजस्थान आ रहे हो, बांसवाड़ा आ रहे हो, तो मस्ट विजिट त्रिपुरा सुंदरी माताजी टेम्पल, एक बार जरूर आना। तो मैं मंदिर के पीछे वाली जगह पे आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मंदिर के जस्ट पीछे एक हेलीपैड है और मंदिर के पीछे की साइड में बहुत सारी मार्बल की फैक्ट्रीज है। हेलीपैड पे मैं आया हूँ, हेलीपैड पे आओ, मजे करो, फोटो वोटो खिंचाओ, बहुत ही अच्छे फोटो आते। और इस रोड से बाहर निकलते वक्त यहाँ पे सारे के सारे जो है मार्बल के आर्टिकल्स बनते हैं, मूर्तियाँ बनती है, जो मंदिर में कई बार आपने देखी होगी, जो नंदी जी की मूर्ति रखते हैं, मतलब वैसी मूर्तियाँ यहाँ पे बनती है और एकदम फिनिशिंग के साथ। सीरियसली देख के ऐसा लगे कि नहीं ये किसी मशीन से बनाई है, बट यहाँ पे हैंड कास्टिंग होती है और यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट ऐसा बोलते हैं। जो चीज मेरी आंखों के सामने है उसको देख के मैं बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फील कर रहा हूँ और ये फील हो रहा है कि अब यहीं कुछ नहीं है तो मैं आगे क्या दिखाऊंगा। तो बारिश में जो सीन होता है हमारी सिटी का वैसा कभी नहीं होता। गर्मी आ चुकी है और जो मेरे सामने दिख रहा ना, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सीरियसली जो चीज रोड तक आती थी वो आज कहाँ है? वेट, क्यूरियस मत हो, मैं बता रहा हूँ। सी, ये पानी जो है ना यहाँ तक आता था और इधर भी ये पानी यहाँ तक आता था। खाली है पूरा, पूरा का पूरा खाली है। अब आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड कि अब मैं क्या दिखाऊँ यहाँ पे। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड क्योंकि सिटी छोटी है और जो भी देखने लायक चीज़ है वो सब 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इतना दूर दूर है। तो उसके लिए मुझे कम से कम पूरा दिन चाहिए और कार में फुल टैंक चाहिए। सो आई एम एट गैमन पुल, बांसवाड़ा का सबसे लंबा ब्रिज, 1 किलोमीटर का। पानी बिल्कुल ही कम है यहाँ पे, देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देखो आप, ये जो पानी था वो यहाँ यहाँ तक इतना ऊपर तक भरा हुआ था, मतलब ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इस ब्रिज की या पाइप दिख रहा है, इसके थोड़ा सा नीचे तक था पानी, बाकी फुल भरा हुआ था। अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है, बहुत ही ख़राब लग रहा है मुझे देख के। मेरा आना सक्सेसफुल नहीं हुआ यहाँ पे, अब की बार आऊँगा पक्का, बारिश में आके यहाँ पे ब्लॉग बनाऊँगा। जो बारिश में चीज़ होती ना वो कहीं भी नहीं होती ऐसी चीज़। ये जो पानी है ना ये माहिडम का बैक वाटर है। हमारे यहाँ पे माहिडम है, 16 गेट्स है जिसके अंदर, और जो 16 गेट अगर खुलते हैं ना भाई वो, तो जो पानी का नज़ारा होता है ना वो देखने लायक होता है। जन्नत लाइक जन्नत। गूगल कर सकते हो माही डैम, बांसवाड़ा माही डैम। में फ़ोटो नहीं डाल सकता क्योंकि बिकॉज ऑफ वैलिड रीजंस की कॉपीराइट क्लेम आ सकता है अगर कोई। तो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, हवा हवा खाते हैं, फिर निकलते हैं, ठीक है। आपको दिख तो गया ही होगा कि भाई पानी की कमी तो नहीं है हमारे बांसवाड़ा में। अभी ऐसा निकलते हैं, हवा हवा खा ली अच्छे से बढ़िया से, यहाँ से निकलते और अब तो कहाँ जाएंगे, कोई जगह ही नहीं बची अब। अभी देख लो कितना लंबा है ये पुल, तो इसका मैं टाइम लैप्स लगाता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। ह्यूमैनिटी डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। ऐसे अच्छे काम करो, इंसानियत के लिए करो, किसी के लिए नहीं, अच्छा लगेगा। चलें फिर से टाइम लैप्स चालू करें। सो मैं अभी आया हूँ एक नेचुरल वाटरफॉल पे, जस्ट दिखाने के लिए। वाटर तो है नहीं अभी यहाँ पे क्योंकि वो सिर्फ बारिश में ही आता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है बारिश में, मतलब लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेंशन है सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स, कीप इट क्लीन एंड ग्रीन। थोड़ा सा पानी है वहाँ पे, बाकी ये वाला जो चीज़ दिख रहा है ना आपको, ये पहाड़ों के बीच में से जो चीज़ आ रही है, ये पूरा नेचुरल वाटरफॉल है। ये जब बारिश होती ना तो यहाँ से पूरा यहाँ से पानी वहाँ बहुत आगे तक जाता है, ये वाले इस जगह से। यहाँ पीछे की साइड में जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है पानी का और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बीच में जो है ना वहाँ पे थोड़ा सा गहरा है, एक बार मैं चला गया था बीच में उतर गया था, वो तो खुदा की करामत मुझे स्विमिंग आती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ से सीधा जाके अपन आगे से राइट मुड़ेंगे तो बांसवाड़ा का रोड निकलेगा जो कि रतलाम रोड के नाम से जाना जाता है। और ये जो पानी आप देख रहे हो ये आ रहा है विद्युत विभाग से, जहाँ पे बांसवाड़ा की जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
ये जो रोड जाता है वो सीधा जाता है चाचा कोटा, जो कि एक बड़ा आइलैंड है जो कि बैक वाटर है माही डैम का। साई बाबा मंदिर, बाहर से बाबा की थोड़ी मूर्ति दिख रही थी इसलिए दिखा दिया, सिर्फ एक सेकंड का भी नहीं होगा वो, वैसे तो मैंने ही दिखा था, पर थोड़ा सा बाहर से अंदर जाके मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, मैं सिर्फ बाहर आ गया दर्शन करके, बाहर से थोड़ा सा दिखा तो मैंने दिखा दिया, मैंने चलो कोई बात नहीं। सी द वाइब्स आर सो पॉजिटिव। सो आई एम एट कागदी पिकअप वेयर और ये लास्ट जगह है यहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि बाकी सब दूर है, सिर्फ यही पास है, रास्ते में पड़ा था तो मैंने टर्न ले लिया, मैं कहा चलो जाके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा लेक वेक है किड्स के लिए, ऊपर खेलने की जगह है, ऊपर बोटिंग भी होती थी, अभी होती है या नहीं होती वो पता नहीं, ऊपर जाके पता चलेगा, या फिर अब स्विमिंग पूल बना दिया हो तो कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। तो अभी यहाँ पे एक शूट ले लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद ये व्लॉग को ख़त्म कर देंगे, छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। यहाँ से सीधा जाओ तो भी पानी है, एक गार्डन आता है इधर मुड़ के और वहाँ बैठने की जगह है, ये मंदिर है, इसके पीछे की साइड स्विमिंग पूल है, या तो अपन जाके एक बार देख लेते हैं अभी क्या हालत है ऊपर की, झूलों वूलों की, और खाली पड़ा है ये तो ब्रो। तो फिर आई थिंक मुझे अपने को भी यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, पूरा का पूरा ये खाली पड़ा है, झूले भी ख़त्म हो चुके हैं। लोग छोटे थे तब आते थे, करीबन 7-8 साल, 7-8 साल के होंगे, मतलब आज से 12-13 साल पहले, कोई नहीं, हैपेंस। भाई साहब व्लॉग में जैसी भी आ गई, अब तो व्लॉग वायरल होना बनता ही है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, उसके साथ यहाँ पे अपन व्लॉग ख़त्म करेंगे, वो चीज़ है ये जगह जो है, दिस इज़ यूज्ड बाय पीपल इन समर टू स्विम एज वेल एज टू बाथ, और ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी होता है यहाँ पे, जो पानी आता है वो बहता हुआ पानी होता है, गंदा पानी नहीं होता, बहुत ही साफ़ पानी होता है। लोग आते हैं यहाँ पे, स्विम करते हैं, मज़ा करते हैं एकदम गर्मी में, बट ये जो जगह है वो है बरियल ग्राउंड, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को फायर किया जाता है। तो वैसे लोग बोलते हैं कि आना नहीं चाहिए, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऐसा कुछ मानना नहीं चाहिए, यह बहता हुआ पानी है, गंदा पानी नहीं है। जब पीछे से पानी छोड़ा, अभी तो काम चल रहा है यहाँ पे, कुछ बना रहे अंदर, पीछे से पानी छोड़ा हुआ है, जो कैनाल जो है मेन कैनाल जहाँ से बहुत पानी जा रहा है अभी, वो पानी वहाँ से छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से पानी नहीं छोड़ रखा है, दो जगह से पानी छूटता है, एक यहाँ पीछे डैम है, 5 गेट है जिसके अंदर है, वहाँ पीछे से कैनाल है वो। बाकी तो बस यहाँ तक रखते हैं अपना व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करके जाओ, शेयर करो, बांसवाड़ा पे वीडियो बनाई है। और अगर आपको कुछ चाहिए, आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, कुछ आपको देखना हो, तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, DM करके बताएं, मेल करें, जो आपको इच्छा हो वो करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरी पहचान वाले तो फ़ोन भी कर सकते हैं, हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है, बस आप प्यार बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कर दें, वैसे तो 500 होने वाले, शायद 2 या 3 ही बाकी है, तो अगर वो नहीं हुआ है तो वो भी कर दें, अगर कोई नया देख रहा है तो। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। तो बस बाकी तो सब आपको पता ही है, प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, क्योंकि दुखी रहें तो क्या ही मिलना है भाई। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शबा खैर।